दोस्तों आजकल के जो शादीशुदा कपल्स हैं, उनमें से ज्यादातर कपल्स बच्चे दो ही अच्छे वाले रूल्स को फॉलो करते हैं, जिसमें उन्हें दो बच्चे हो जाने के बाद भी गलती से मिस्टेक ना हो इस बात का ध्यान देना होता है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस चीज से बचने के लिए नसबंदी का सहारा लिया जाता है, चाहे वह नसबंदी महिला का हो या फिर पुरुष का। आज की वीडियो में हम आपको महिला नसबंदी को लाइव करके दिखाने वाले हैं, क्योंकि पुरुष नसबंदी का लाइव वीडियो इसके पहले आ चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों महिला नसबंदी तीन प्रकार से किया जाता है, जिसमें ट्यूबेक्टोमी, लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी शामिल है। इन तीनों प्रक्रियाओं में काम तो एक ही होता है, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को बंद करना होता है ताकि फीमेल एग और स्पर्म आपस में ना मिल पाए। बस इन तीनों प्रक्रियाओं का तरीका अलग होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ट्यूबेक्टोमी नसबंदी को समझते हैं। इस प्रक्रिया में महिला के नाभि के नीचे वाले भाग को सुन्न करने के लिए लोकल या नॉर्मल एनेस्थीसिया का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नाभि के नीचे एक चीरा लगाया जाता है, जिसमें से महिला प्रजनन अंगों को देखा जा सकता है। अब फैलोपियन ट्यूब को टाके या क्लिप से बांध दिया जाता है, या ट्यूब के छोटे हिस्से को काट कर हटा दिया जाता है। इसी प्रक्रिया से दूसरे फैलोपियन ट्यूब को भी बंद कर दिया जाता है और इस चीरे को टाके लगाकर बंद कर देते हैं। अब हम बात करेंगे लैप्रोस्कोपी नसबंदी की। इस सर्जरी में लैप्रोस्कोप नाम के एक उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसके अगले भाग पर एक लाइट लगा होता है जो पेट के अंदर उजाला करता है, और इसके पीछे एक कैमरा लगा होता है जो मॉनिटर से कनेक्ट होता है। इस सर्जरी में भी पेट के निचले भाग को सुन्न करने के लिए नॉर्मल या लोकल एनेस्थीसिया का प्रयोग करते हैं। अब नाभि के पास दो बहुत छोटे छोटे चीरे लगाए जाते हैं। अब एक चीरे के माध्यम से लैप्रोस्कोप को पेट के अंदर डाला जाता है। लैप्रोस्कोप में लगे लाइट और कैमरे की मदद से अंदर के अंगों को मॉनिटर पर देखा जा सकता है। अब लैप्रोस्कोप की मदद से पेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भरा जाता है, जिससे पेट फूल जाता है और ऑपरेशन के लिए पेट के अंदर स्पेस मिल जाता है। अब फैलोपियन ट्यूब को बंद करने के लिए इस मेडिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इस इक्विपमेंट को दूसरे चीरे से पेट के अंदर डाला जाता है और मॉनिटर पर देखते हुए बहुत सावधानी से फैलोपियन ट्यूब को काट कर बंद कर दिया जाता है। इसी तरह से दूसरे फैलोपियन ट्यूब को भी बंद कर देते हैं। अब इसके बाद गैस को बाहर निकालकर चीरे को बंद कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे हिस्ट्रोस्कोपी नसबंदी की। नसबंदी की यह प्रक्रिया बाकी दोनों प्रक्रियाओं ट्यूबेक्टोमी और लैप्रोस्कोपी नसबंदी से बहुत अलग और न्यूनतम आक्रामक वाला होता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में बॉडी में कहीं भी कट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए इस पूरे प्रक्रिया को समझते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले पेशेंट को पैल्विक परीक्षा के समान परीक्षण मेज पर लेटाया जाता है। इसके बाद गर्भाशय ग्रीवा को सुन्न करने के लिए स्थानीय या हल्का बेहोश करने वाला एनेस्थीसिया दिया जाता है। अब गर्भाशय तक पहुंचने के लिए गर्भाशय ग्रीवा को इस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से फैलाया जाता है। अब हिस्ट्रोस्कोप को गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से गर्भाशय में डाला जाता है। अब फैलोपियन ट्यूब को बंद करने के लिए एक छोटा उपकरण जैसे कायल या प्लग का प्रयोग किया जाता है। इसे हिस्ट्रोस्कोप के माध्यम से प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता है। यह उपकरण समय के साथ ट्यूबों पर घाव पैदा करने और उन्हें बंद करने के लिए डिजाइन किया गया होता है। प्रक्रिया पूरा हो जाने के बाद हिस्ट्रोस्कोप और अन्य उपकरण को गर्भाशय से हटा दिया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हिस्ट्रोस्कोप नसबंदी एक स्थायी गर्भनिरोधक माना जाता है और फैलोपियन ट्यूब को पूरी तरह बंद होने में कुछ महीने लग सकता है। जब तक कि इस बात की पुष्टि ना हो जाए कि प्रक्रिया सफल रहा, तब तक गर्भनिरोध के किसी अन्य रूप का प्रयोग करना भी महत्वपूर्ण है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या आप अधिक जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।